हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय माता दी। और मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात होने वाली है, मतलब एक खुशी मेरे साल आने वाली है मेरे घर पर। इतने साल के बाद जिसे मैं चाह रही थी काफ़ी साल से, वो अब जल्दी ही पूरी होने जा रही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भी मेरी खुशी का राज जानना है, तो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और ये बिल्कुल सुबह का टाइम है, उठते ही मैंने कुल्ला किया और बस फ्रिज की सफाई में लग गई सब्जियां, क्योंकि मुझे इसमें लगानी है, तो सोचा फ्रिज को भी साफ़ कर देती हूँ। और इतने साल बाद जब खुशी आती है ना, तो उसका आनंद एक अलग ही होता है, जिसकी हम चाह करते हैं और वो हमें मिल जाता है, तो बस उसका तो बस बात ही अलग होती है। तो इतने साल के बाद मुझे जो खुशी मिल रही है, बस उसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। और आप भी बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो बातें करते करते मेरा फ्रिज जो है साफ़ हो चुका है, और चुन्नी को इग्नोर कीजिए। तो देखिए, कुछ कपड़ों की तह मैंने लगा दी है और अभी नहाकर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो सब्जियाँ तो मैंने लगा दी हैं, और ये मेरे आलू थे ना, अभी मुझे इनको लगाना है। तो सोचा नहाने से पहले ये काम भी फ्री कर देती हूँ, और फ्री होने के बाद सुबह का मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए, मेरे आलू जो है ना, वो लग चुके हैं। और इतने जो मोटे आलू होते हैं ना, उनको काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जल्दी से कट जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। और छोटे आलू जो है, उनको हम लोग उबाल लेते हैं। तो ये देखिए, मेरे आलू जो है लग चुके हैं, अब मैं झाड़ू लगा दूंगी। सुबह का मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मंजन कर लिया था, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। सब लोग लगाते हैं, सभी को पता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू जो है वो लगाना चाहिए। और कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत थिंकिंग रखते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप अपना काम करिए, और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो किसी को नेगेटिव कमेंट करने की या नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत अच्छे जो भाई बहन हैं ना, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग साथ और सपोर्ट दोगे तभी मेरा मोटिवेशन जो है वो मुझे आएगा। अच्छे अच्छे आप कमेंट कीजिए वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है ना, वो मिलता है। और ये देखिए, अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, चकचुंदर जो होता है ना, वो रात में आ गया था, और गेट के पास, मतलब पंखा चलाते हैं अभी, तो शायद उसी में आकर ये मर गया है। तो ये देखिए, शुक्र है कि बच्चों को या किसी को भी इस ये मतलब इस तरह से चिपक जाता है, इसको गर्म चिमटे से उतारना पड़ता है, वरना तो ये उतरता ही नहीं है। तो ये देखिए, इसके गेट के नीचे आ गया और मर गया। तो इसी तरह के कीड़े मकोड़े जो है ना, वो चलते रहते हैं, मतलब खुला वातावरण है ना, गेट दोनों खोल कर सोते हैं, तो वो इसी तरह से अंदर में आ जाते हैं। और ये देखिए, जो ब्लड निकला था ना, उसको मैं गीले कपड़े की सहायता से साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही पोछा वगैरह जो है ना वो लगाऊंगी। और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए होता है, मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग साथ और सपोर्ट नहीं करते हो तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हूँ जब वीडियो पर व्यूज वगैरह नहीं आते हैं। तो देखिए, इधर से भी मेरा झाड़ू जो है वो निकल चुका है, और अभी मैं पोछा लगाऊंगी। तो वहाँ से तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर बैठी मैं, पता नहीं क्या कुछ करने लगी थी शायद। तो पायल बोली कि लाओ मम्मी, तब तक मैं लगा देती हूँ। और फिर देखिए, यहाँ जो मैंने कपड़े रात में धुले थे ना, उनको मैंने जल्दी ही डाल दिया है।
क्योंकि मुझे फिर खेत में भी जाना है। और एक बहन की रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप खेत का व्यू भी दिखाइए, कैसा क्या है। देखिए खेत में ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, आपकी बात सब फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। बस आपकी बार तो भगवान ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, बस धान जो है ना वो बचे हुए हैं। तो ये देखिए मेरा जो पौधा था ना, तो उसमें फूल जो है वो लग चुका है। अब इसमें जल्दी ही एक बताऊँ भी लगने वाला है शायद से, क्योंकि इसमें मैं पानी वगैरह देती रहती हूँ। तो ये देखिए उगता हुआ सूरज कैसा लग रहा है आपको। और ना इस पे मतलब बादल जो है वो हो रखे थे, तो ये दिख भी नहीं रहा था, अभी दिखा था। तो इसको मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये देख लीजिए हमारे इंडिया का सूरज आप लोगों को कैसा लगा है। और जो बहन भाई मुझे बाहर से देखते हैं ना, मतलब दूसरे देश से, उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट करते हो आप। इतना ज़्यादा मेरी वीडियो पर आकर मुझे प्यार देते हो। तो कपड़े इतने ज़्यादा धुले थे, अभी तो थोड़े से और रहते हैं तो उनको भी धुल दूँगी, क्योंकि हम लोग सुबह में नहीं धुलते हैं, श्राद्ध जो है वो चले हुए हैं ना, तो सुबह में नहीं धुलते हैं, शाम में ही कपड़े जो मैं धुल के सुखा देती हूँ। सुखा तो क्या देती हूँ, सूखते तो नहीं है, पर पंखे की हवा में मैं इनको डाल देती हूँ। तो ये देखिए झाड़ू मेरा लग चुका है, अब मैं गैस की सफाई कर देती हूँ क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो गैस की जो सफाई है ना वो मैं रात में भी करके सोती हूँ। आप लोगों को नाइट के ब्लॉग में दिखाया भी था, अगर आपने मेरा नाइट का ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करना। तो स्लिप की भी मैं सफाई कर देती हूँ। काम जो है ना मेरा सारा हो चुका है, पोछा भी मेरा जो है लग चुका है आप लोगों से बातें करते करते। और ये देखिए बाथरूम में कर रही हूँ, तो ये देखिए तो सूर्य देवता जो है वो अच्छे से निकल भी आए हैं। और काम जो है मेरा सारा फिनिश हो चुका है, बेड, झाड़ू पोछा, बर्तन जो भी था, मतलब डेली वर्क का जो होता है वो सभी हो चुका है। तो ये देखिए आपको गीला भी लग रहा होगा, और ऊपर में मैंने पंखा भी जो है वो चलाया हुआ है ताकि जल्दी से सूख जाए। तो सुबह का तो डेली का यही रहता है, बस कभी कभी होता है जो नहीं लगा पाती हूँ तो फिर खाना बनाने के बाद मैं लगा देती हूँ, लेकिन श्राद्ध में तो मैं ज़रूर से ज़रूर सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ। तो ये देखिए उसके बाद मैं अपना जो पूजा पाठ है वो कर रही हूँ।
और मैं तो कहती हूँ कि आप कुछ अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, तभी आप लोगों के साथ में भी अच्छा होगा। अगर आप अच्छा सोचते हो ना, तो आप में एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो आती है कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छे ही विचार आएंगे। अगर आप किसी के बारे में मतलब गलत थिंकिंग रखते हो, तो गलत मतलब खुद ब खुद हम नेगेटिविटी हम लोगों में आती जाती है। तो जितना अच्छा सोचोगे ना, उतना ही अच्छा होगा, और भगवान उतना ही अच्छा आपको फल भी देगा। तो किसी के बारे में गलत थिंकिंग या किसी के बारे में गलत बोलना बहुत ही मतलब अशुभ होता है। और काम करते जाइए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर आप अच्छे काम करते हो ना, तो भगवान उसका फल अच्छा ही देता है। और आप सभी को पता है, बुरे काम का तो बुरा नतीजा होता है, और हम सबको यहीं पर सब जो है वो भुगतना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने गौ माता के लिए जो रोटियां होती है निकाल ली। तो देखिए, जो हमारा टिफिन है तैयार हो चुका है, रोटियां मेरी बन चुकी हैं। तो अब चलिए, जो भी है आपको खेत में ही जाकर दिखाएंगे। तो देखिए, बर्तन जो है ना, वो भी मेरे धुल चुके हैं, काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है। तो ये देखिए, तो ये देखिए, पायल, वंशिका और मैं खेत में जा रहे हैं। बाकी इनके पापा जा चुके हैं खेत में पहले ही, तो उनका खाना जो है वो मैं लेकर जा रही हूँ। तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ में ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, खेत वाले, क्योंकि रिक्वेस्टेड भी आ रही थी कि दीदी आप खेत का दिखा दो। तो बस हम तीनों ही जन जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो है ना मकान बने हुए हैं, और खेत आप लोग देख सकते हैं। तो पानी जो है ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। और हमारे यहाँ पर ना दोनों तरफ सड़क लगती है, तो दोनों तरफ में पेड़ लगे हुए हैं। तो ये पानी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते हैं ना, इसलिए मुझे वॉइस ओवर यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो आप खुद ही देख लो व्यू, और पानी देख लो, सभी जगह भरा हुआ है। लेकिन जो हमारा बाजरा था ना, उसमें पानी नहीं भरा हुआ था, उसका पानी जो है वो सूख चुका है। तो इसलिए बेनिफिट तो ज़्यादा नहीं हुआ है। अब की बार जो बाजरा था वो सारा नीचे गिर गया है, कुछ जो खड़ा हुआ है वे बाल जो है ना वो अच्छी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अब की बार प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये देखिए, बाजरे की हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हो रखी है। बातें करने का तो मेरे गांव के इतने सारे लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मतलब सभी को पता तो है कि वीडियो बनाती है, लेकिन गली में खड़े होकर इस तरह से बातें जो है ना वो बनाते रहते हैं। लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करती हूँ मैं। पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है, ना तो कुछ करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। और ये देखिए, जो वाइट वाले बुगले शायद इनको बोलते हैं, तो बुगले होते हैं ना, तो वो आए हुए हैं। तो कितना अच्छा, मतलब पानी से कुछ कीड़े कीट होते हैं ना, वो निकालते हैं ये लोग। तो ये देख लीजिए, और ये देखिए, अनाथ आश्रम है बच्चों का, आश्रय घर जिसको बोलते हैं ना, पालना घर, तो वो बना हुआ है यहाँ पर। ये मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहीं से आना जाना होता है, इसी सड़क से हम लोग आते हैं। रास्ता तो दूसरा भी है, लेकिन वहाँ पर पानी हो रखा है। तो चलिए, खेत में चल रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो
वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और साथ में वंशी का भी है, पायल भी है। और जो खेत में ना सब कुछ पानी पानी हो रखा है, जो ज्वार थे बाजरे सब में पानी होके बिल्कुल सूख चुके हैं सब के सब। और देखो किस इतनी तेज बाइक आई ना, मैंने मुझे तो रोकना पड़ा, कभी मेरे में ही टक्कर ना लगा दे। तो सब कुछ पानी पानी हो रखा है, और आज बच्चों की भी छुट्टी थी इसलिए आज काम भी जल्दी हो गया। तो ये देख लीजिए आप, काफी ज्यादा बारिश हुई है ना, उसकी वजह से सब कुछ फसलें जो है वो खराब हो चुकी है, आप खुद ही देखो। और एक बहन की रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप कभी खेत में जाओ तो वहां का दिखाना, वैसे तो मैं आती नहीं हूँ खेत में कभी भी, बट आई हूँ तो आप लोगों को जरूर से दिखाऊंगी। चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ अब। देखिए जो धान होते हैं ना उन पर चावल जो है वो आ चुके हैं, तो आप खुद से ही देख लीजिए। और यहाँ का रास्ता जो है ना वो काफी ज्यादा खराब है, ये देखिए जूम करके मैंने आपको दिखाया है। और पायल भी बुला रही है क्योंकि धान काफी ज्यादा है और यहाँ पे झील है ना, तो बोल रही है कि मम्मी आप तो दिखाई भी नहीं दे रहे हो, और यहाँ के रास्ते काफी ज्यादा खराब है, पानी जो है ना पूरे रास्ते में ऐसे ही हो रखा है। बस जो धान की फसल है ना वो ठीक है, बाकी तो सब कुछ पानी हो रखा है, पानी है। और जो धान का पानी है ना वो भी लोग मतलब यहाँ पर उतार रहे हैं, जो रास्ता है ना कच्चा रास्ता उस पर उतार रहे हैं। तो चलिए आपको बाजरा भी दिखा देती हूँ उसकी क्या हालत है। तो ये देखिए पानी तो इसमें नहीं है, पानी तो सूख चुका है। ये देखिए पानी नहीं है, पानी सूख चुका है इसका। और इधर से भी दिखाती हूँ रास्ते के दूसरी साइड में, पानी इस वाले में कहीं कहीं पर खड़ा हुआ है और इसमें तो काफी ज्यादा खड़ा है। और मुझे काफी लेट भी हो रहा है, तो आगे चल के थोड़ा सा आगे दिखाऊंगी। ये देखिए कपास के पौधे दिखाती हूँ। देखिए कपास इस तरह से होती है, आपको पता भी होगा लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है। तो ये जो होते हैं ना पहले फूल आपको पता है आता है, उसके बाद ये आते हैं, फिर ये इस तरह से खिल जाती है, रुई होती है ये, और इसमें जो बिनोला होता है ना भैंस के लिए बनाते हैं वो भी इसमें होता है। तो काफी ज्यादा खिल भी चुकी है, कुछ नहीं खिली है। तो देखिए मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा रही हूँ, खिल चुके हैं काफी ज्यादा। अब इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो सारा ही खराब हो चुका है।
और देखिए पायल क्या लेकर आई है, आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। तो ये देखिए, एक पायल ने उठा लिया और एक वंशिका ने, और ये देखिए मेरा क्यूट सा, बहुत काफी दिन बाद मैं इनसे मिल रही हूँ और मुझे ये काफी ज्यादा मुझे भी अच्छे लगते हैं। और देखिए एक वंशिका उठा रही है वहां पर, ये देखिए मुझे भी ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं भी इनके साथ में खेल लेती हूँ। और ये देखिए छोटी छोटी कीड़िया जो है ना, इनको रोटी डाल देते हैं या आटा वगैरह हम लोग डाल देते हैं। और देखो वंशिका को देखिए, दो दो उठा कर लेकर आई है, ये पांच थे। और यहाँ पर ना एक गिद्ध रहता है, तो दो उसी ने मार दिए हैं दो को। तो अब इनकी माँ है ना, जो इन्हीं के साथ रहती है, मतलब कहीं भी इधर उधर नहीं जाती है, तो सुबह और शाम में हम लोग यहीं पर रोटियाँ इनको डाल देते हैं। और ये देखिए पायल वहीं पर लेकर चली गई, और जो इसके पापा का खाना था यहीं पर रख दिया है। तो इनका जो घर जो है ना, वो इस तरह से हम लोगों ने बनाया हुआ है, बारिश धूप में ये यहीं पर बैठ जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं लगता है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा इतना है भी नहीं, तो ये देखिए आ भी रहे हैं ये। अब इनको रोटियां ये खाने लग गए हैं, तो रोटियां दे देते हैं हम इनको थोड़ी थोड़ी। मम्मी हम इसके ये देखिए अभी रोटी शायद नहीं खा रहे हैं ये, देखो मैंने डाली भी है इनको छोटी छोटी करके, देखिए ये खा रहा है। इसको देखिए ये नहीं खाएगा, ये खाएगा, ये देखिए ये खा ली इसने, गिरा भी देती है, छोटे है ना अभी। और उनको ना पता लग गया है दूसरे वाले खेत में ना कि वो आ गए हैं, तो इसलिए बुला रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ। टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो चुका था इसलिए, आजा बेटा। और मुझे आपको तो पता है कि घर में करते करते लेट हो ही जाता है। तो ये देख लीजिए हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी हरियाली जो है वो है पौधों की, लेकिन बाजरा और जो हमारी कपास थी ना उसमें पानी था, इसलिए वो कुछ तो गिर चुकी है और कुछ खराब हो चुकी हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं है। और बाजरा जो है उसमें भी पानी था, तो वो भी जो है गल चुका है इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पर ना मजदूर लगे हुए थे काम करने के लिए, तो मजदूर लगे हुए थे तो उन्होंने कुछ तो कर दिया था, कुछ अभी करना बाकी है, इसलिए तो हम लोग भी इनके साथ ही लगे हुए थे, क्योंकि खेत के जो मालिक होते हैं ना वो साथ में लग जाते हैं, तो इनको एक अलग सा ही वो होता है। तो ये देख लीजिए बाजरा जो है हमारा इतना सारा, मतलब गिर चुके हैं ये कट करके, ऊपर से बाल जो है ना वो कट करनी होती है बस, तो इस तरह से कट कर दिया है। और ये चारों तरफ देख लीजिए बस, अब इसको इसी तरह से खेत में ही इसकी जो जुताई है वो कर देंगे, तो खार इसमें लग जाएगा। तो बाजरा देख लीजिए, इसमें बाल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो बाजरा है वो गिर चुका है और जो बाल है ना वो हल्के भी हैं। तो ये देखिए इस तरह से होता है। अब इसको थ्रेसर बोलते हैं, जिसमें गेहूं निकाला जाता है ना, तो उसी में इसको डाला जाता है, तो बाजरा अलग हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, जो गांव के हैं उनको तो पता होगा, जो शहर के हैं काफ़ी ज़्यादा लोग उनको नहीं पता होता है कि किस तरह से निकाला जाता है।
तो कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी हम शहर से हैं और आप खेत की जो वीडियो है ना वो बनाकर हम लोगों के साथ में शेयर कीजिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। और ये देख लीजिए बाड़ी जो है कपास हमारी किस तरह से गिरी हुई है। बैठे रहो तुम, मत दसो फिर अब फिर इनका चालियो यू कड़ा धरा पलड़े। एक काम करया कि बेटा इस पलड़ नोट धरया होगी पलिया सारा धरा गया है। और ये देखो बच्चों को ना कहीं पर जहाँ पर भी जाते हैं उनको खेल मिल ही जाते हैं, तो जंतर का जो पेड़ है वो फाड़ लिया है इसने। और देखिए इस तरह से बोल रही है, इसमें लगा रही है पानी में कि मम्मी मैं इसको लगाऊंगी, तो हमने बोला कि लगा लो। और ये देखिए वो खाना खा के अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ, तो हालत देख सकते हैं। धूप ज़्यादा थी इसलिए हालत जो है ख़राब हो चुकी है, और पानी मतलब हवा भी नहीं चल रही थी। तो खाना हम खा कर गए थे और इनका लेकर चले गए थे, तो देख ही सकते हैं आप। और पायल पता नहीं पायल भी इधर ही है शायद से, इधर नहीं है पायल, पायल वहाँ पर पिछले साइड जो है ना जहाँ पर बाजरा मैंने आपको दिखाया वहाँ पर गई हुई है। और गले में ना थोड़ी सी खराश हो रखी है, तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और एंजॉय लेते रहिएगा। और ये देखिए हम लोगों ने ना इसको खाना खिला दिया था, अब ये देखिए कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसके साथ हुए खिलाड़ी जो है ना ये कर रहे हैं। और ये भी ना टांग रख के बिल्कुल मुंह तक पहुंचने को हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों को पता है कि ये हमारे खेत के हैं। तो और अगर कोई बाहर से आता है ना तो मतलब उसको नहीं आने देते हैं, उसको इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर देते हैं कि अगला आदमी तो डर ही जाता है। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, मम्मी स्पीड बाइक आ ली तो अब चलते हैं घर की तरफ। देखिए वधिका मैडम को ठीक है पापा पढ़ना चाहिए। तो अब चल रहे हैं घर की तरफ, और बाजरा मैंने आपको दिखाया, पूरा खेत आप लोगों को दिखाया है कि कैसा है कैसा नहीं है। और वंशिका मैडम को दिखाती हूँ, वंशिका मैडम ये देखिए ये धान देख लीजिए, और ये वंशिका मैडम जा रही है मेरे आगे आगे। मैडम जी इधर देखो, इधर बात करो, हेलो बोल दो। देखिए बोल रही है, और ये धान देख लीजिए काफी अच्छे हो गए हैं, काफी अच्छे खड़े हैं, इनमें पानी नहीं है, पानी इनका सूख चुका है। तो ये देखिए
अभी मैं भी चलती हूँ, सब आगे जा चुके हैं, बस मैं ही रहती हूँ पीछे, पायल और उसके पापा जा चुके हैं, मैं और वंशिका रहते हैं। अभी हम भी थोड़ी आगे जाके आप लोगों से बातें करेंगे। पूरे खेत में कोई नहीं है, आसपास में बस हम ही चार लोग हैं। अभी काफी ज्यादा रेस्ट तो नहीं किया, थोड़ी सी हवा भी बहुत ज्यादा कम चल रही है, कभी कभी आ रही है। और धूप ज्यादा है लेकिन हवा जो है ना वो भी नहीं चल रही है, अगर हवा चलती है तो अच्छा लगता है। और ये देखिए पेड़, अमरूद के पेड़ जो हैं वो लगाए हैं, बड़े हो चुके हैं। इन बेल पे कि मैं लाग भी रहा, कुछ भी ना लाग रहा। ये देखिए कैसे दोनों के दोनों बैठी है, और यहाँ पर बिठाती हूँ इनकी माँ है। ये तो ये देखिए इनका घर कुछ इस तरह से हम लोगों ने बनाया है। जगह नहीं है कहीं से भी जाने की, बस दो ही जगह से बनाया, एक तो ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, और यहाँ से भी चले जाते हैं इसके बच्चे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुद का ध्यान जो है वो रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।